नमस्कार दोस्तों इंडियन एयरफोर्स दुनिया के सबसे ताकतवर एयरफोर्स है लेकिन कौन यकीन कर सकता है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स की शुरुआत महत्व 25 सैनिकों और केवल दो हवाई जहाज़ों के साथ की गई होगी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स के इतिहास और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दरअसल इंडियन एयरफोर्स का शुरुआती नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था जिसे 8 अक्टूबर उन्नीस को शुरू किया गया था तब इसे फोर्स के तौर पर रखा गया था यानी कि ये अतिरिक्त सेना का काम करती थी जो ब्रिटिश सेना की मदद के लिए थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पहली डान एक अप्रैल उन्नीस के दिन भरी थी उस वक्त इसमें केवल छः अफसर नौ सिपाही और चार वेस्टलैंड विमान थे रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्थापना के चार से पाँच साल बाद अपने पहले ऑपरेशन को अंजाम दिया था जो बागी जनजाति के लड़ाकों के विरुद्ध भारतीय सेना के ऑपरेशन में सहायता करने के लिए उत्तरी वज्रिस्तान के मिरान से किया गया था हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में एयरफोर्स की ताकत बढ़ने लगी इसमें कर्मियों की संख्या बढ़कर 16 अफसरों और छह सौ वायु सैनिकों की हो चुकी थी आजादी से पहले एयरफोर्स आर्मी के तहत आती थी जिसे अलग शाखा बनाने का श्रेय एयर मार्शल थाम्स डब्ल्यू हेलमेट को दिया जाता है आजादी के बाद पूर्ण गणतंत्र लागू होने पर रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इसे केवल इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया इंडियन एयरफोर्स के पहले भारतीय चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी बने इंडियन एयरफोर्स को अब दुनिया की चौथे सबसे मजबूत सेना माना जाता है ये अब तक की सबसे जबरदस्त अभियान को अंजाम दे चुकी है इंडियन एयरफोर्स का एक आदर्श वाक्य भी है इसे गीता के ग्यारहवीं अध्याय से लिया गया है यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है जिसे अंग्रेजी में विद ग्लोरी कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स के कुल सात कमांड है इसका मुख्यालय दिल्ली में है इंडियन एयरफोर्स में पोस्ट के कर्म तो उसी तरह है जो पहले थे इसकी सबसे निचली पोस्ट पर फ्लाइंग कैंडिडेट होता है उसके ऊपर फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट स्क्वाड लीडर विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन एयर कमांडर एयर वाइस मार्शल एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल होता है एयर फोर्स का झंडा नीले रंग का है जिसमें पहले हिस्से में नेशनल फ्लैग के और बीच में नेशनल फ्लैग के तीनों रंगों को मिलाकर एक मृत बना है झंडे का निशान वायु सेना के प्रतीक चिन्ह से अलग कई सारे युद्ध में एयर फोर्स के ताकत खुलकर सामने आई है जैसे ऑपरेशन मेघबूत ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पवन जो इसे दुनिया की एयर फोर्स इसमें बेहद खास बनाती है कुदरती आपदा में भी इंडियन एयरफोर्स मानव सहायता के लिए सामने आती है केदार थ में बाढ़ के दौरान राहत मिशन चलाकर एयरफोर्स ने बीस हजार ऐसी ज्यादा लोगों की जान बचाई थी जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है महिलाओं का भी एयरफोर्स में खास योगदान रहा है सबसे पहली महिला एयर मार्शल रही एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कांत पे तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जय हिंद वंदे मातरम